नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तुलसी के पौधे को, क्योंकि नई ग्रोथ सभी पौधों में हमारी स्टार्ट हो चुकी है, तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कैसे दें, क्या लिक्विड कंपोस्ट या कंपोस्टिंग हम करेंगे, कैसे उसकी केयर करें ताकि वो आने वाले समर सीजन के लिए हमारा तुलसी का पौधा काफ़ी घना हो सके। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये मेरा तुलसी का पौधा है और देखिए कितना बूसी और कितना घना है। तो मैं आपको ये रिजल्ट दिखा रहा हूँ, आगे आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं पूरी तरीके के बारे में बात करूँगा और इस पौधे में भी हम बात करेंगे कि अब इस पौधे में क्या करने की ज़रूरत हमें है, तो कौन सी चीज़ इसमें करने की अभी टाइम आ गया जो हम इसमें करना है। तो लास्ट में हम इस पौधे का भी केयर करेंगे इसकी भी। इससे पहले उस पौधे के बारे में बात करते हैं जिसमें अभी इनिशियल ग्रोथ समर सीजन की स्टार्ट हुई है। तो दोस्तों, ये हमारा पौधा है जिसमें अभी इनिशियल स्टेज में ग्रोथ है। देखिए, आप देख सकते हैं कि सभी ब्रांचेज में ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी हैं। तो यही टाइम है जब इसमें हमें इसे कंपोस्टिंग करनी है और इसकी अच्छे से केयर करनी है ताकि आने वाले 15 से 20 दिनों में ये पौधा अच्छा सा घना हो जाए, हरा भरा हो जाए। अब दोस्तों, इसमें पहले इसकी कुछ केयर टिप्स के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सी कंपोस्ट इसमें हमें देनी है, किस कंपोस्ट की आवश्यकता इस समय इस पौधे को है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मिट्टी अभी नमी है। मैंने सुबह ही सुबह इसमें वाटरिंग की हुई है, हल्की वाटरिंग कर दी है मैंने, क्योंकि अब हम कंपोस्टिंग जब करते हैं तो उससे पहले हल्की वाटरिंग मिट्टी में कर लेना चाहिए ताकि जो कंपोस्ट हम इसमें देते हैं वो अच्छे से जड़ों तक पहुंच जाए। तो जो इसमें सबसे पहला काम है दोस्तों, वो ये कि हमें इसकी कर लेनी है गुड़ाई हल्की, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और इसमें जो भी हम कंपोस्ट डालें या फिर जो एयर है, ऑक्सीजन पौधे की जड़ों तक आसानी से पहुंचती रहे। और अगर आपके इस पौधे में कोई खरपतवार है तो आप उन्हें भी साफ करना बहुत ही आवश्यक है। फिर दोस्तों, जो दूसरे नंबर पे है कि जो इसकी अनवांटेड ब्रांचेज हैं उसे हमें कट करके अलग कर लेना है। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये ब्रांच हुई या फिर ये साइड से यहाँ से निकल के आ रही है, मैंने ये सारी ब्रांचेज इनको अलग कर देना। एक हाइट पे मैं इसे पौधे को एक हाइट पर से मैं इस पौधे को गोल बनाना चाहता हूँ, तो नीचे से मैंने सारी ब्रांचेज हटा दी हैं। अब ऊपर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ से ये देखिए, ये पौधा यहाँ से मेरा कुछ इस प्रकार से ऊपर की तरफ ये राउंड शेप में यहाँ से फैलेगा, जो भी नई ग्रोथ होगी इतनी एरिया में इसमें नई ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार हमने इस पौधे को तैयार कर लिया है। अब दोस्तों, अभी जो ग्रोथ होती है तो पौधे की जो पत्तियाँ हैं हमें उन्हें हरी भरी करनी है। तो ज़्यादा हरी भरी पत्तियों के लिए आपको पहले से मैं बता दूं कि नाइट्रोजन जो हम खाद में देते हैं, नाइट्रोजन का जो काम होता है एनपीके में, नाइट्रोजन का मतलब होता है इन पत्तियों को ग्रोथ देना, हरा भरा करना। तो पत्तियों के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें हम देंगे नाइट्रोजन और थोड़ा हम इसमें देंगे पोटेशियम और फॉस्फोरस भी, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, क्योंकि जो फॉस्फोरस का काम होगा पोटेशियम का, वो इसकी तने को मजबूत करना। जब तना मजबूत होगा तो नाइट्रोजन बहुत अच्छे से इसकी पत्तियों को हरा भरा करेगा। तो इसके लिए हम कंपोस्ट कौन सी यूज करेंगे जो इसे नाइट्रोजन के लिए सबसे बेस्ट, जो कंपोस्ट मैं यूज करता हूं दोस्तों, गोबर की खाद से या कंडे से बनाई हुई लिक्विड कंपोस्ट, और साथ में हम फॉस्फोरस और पोटेशियम के लिए देंगे केले के छिलके से बनाई हुई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इससे केले के छिलके से बनाई हुई लिक्विड कंपोस्ट। तो इन दोनों चीज़ों को मैं मिला के इस पौधे में दूंगा तो एक एनपीके, बैलेंस्ड एनपीके इस पौधे को इसकी ज़रूरत के हिसाब से मिल जाएगा। तो दोस्तों, कंपोस्ट देनी कैसे है, करीब हम इसमें आधा लीटर से ज़्यादा पानी देंगे। तो एक देखिए, मैंने एक बोतल डिब्बा ले लिया है जिसमें मैं आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी ले ले रहा हूँ। अब इस पानी में मैं ये जो मेरी लिक्विड कंपोस्ट गोबर कंडे से बना के रखी हुई है मैंने, इसका करीब 10 ml मैं इसमें मिलाऊंगा। तो 10 ml आप देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं देना है, ये मैंने दे दी इसमें कंडे से बनाई हुई लिक्विड कंपोस्ट,
कंडे के साथ साथ इसमें मैंने आप लोगों ने वीडियो अपलोड है कैसे बनानी है। इसमें मैंने बेसन मिलाया हुआ था, बेसन और दही गुड़, तो आप ये बना सकते हैं अपने चैनल पर जाके इसकी वीडियो देखकर आप भी अपने यहाँ बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए केले के छिलके से जो लिक्विड कंपोस्ट मैंने तैयार करी है, केले के छिलके से लिक्विड कंपोस्ट तैयार करने के लिए आपको कम से कम 24 घंटे चाहिए और केले के छिलके को टुकड़ों में काट के पानी में डाल के करीब 24 घंटे के लिए आप छोड़ देंगे तो आपकी लिक्विड कंपोस्ट बनके तैयार हो जाएगी। तो इसे भी हम इसमें डाल लेंगे, रेशियो सेम रहेगा 10 से 15 ml के आसपास। अब दोस्तों ये बहुत ही अच्छी NPK बैलेंस्ड लिक्विड कंपोस्ट हमारी तैयार हो गई है और इसको हम डाल देंगे अपने इस तुलसी के पौधे में इस प्रकार से। अब दोस्तों एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जो भी मिट्टी में आपका पौधा लगा हुआ है इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। देखिए मैंने जो पानी डाला है इसमें सुबह का गीला हुआ मिट्टी थी गीली, उसके बाद भी इसमें आप देखेंगे अभी 2 से 4 सेकंड के अंदर सारा पानी नीचे चला जाएगा और एक्सेस वाटर जो होगा वो ड्रेनेज होल के रास्ते निकल जाएगा। तो इसी प्रकार आपको भी मिट्टी तैयार करनी है। अब दोस्तों आप ये सारी चीज़ें करने के बाद देखेंगे एक महीने के अंदर आपका तुलसी का पौधा काफ़ी अच्छा बूसी और घना हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो अब पौधा थोड़ा घना हो जाए बूसी हो जाए तो जो जरूरी काम है मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं तुलसी के पौधे में काफ़ी ढेर सारे फलियां लग जाती हैं तो इन फलियों को हमें प्रून करना होता है। तो जैसे देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये फलियां प्रून करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि जो एनर्जी होती है प्लांट की वो ये फलियां ले जाती हैं। तो हमें ढेर सारी फलियां नहीं चाहिए, हमें पौधा घना चाहिए। तो इस प्रकार जितने भी फलियां आपको दिख रही हैं इन्हें आप देखिए सारी फलियों को इसमें से प्रून कर दीजिए। फलियां प्रून करने के बाद आपको इसका बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपका पौधा और भी ज़्यादा घना और बूसी आपको होता दिखेगा। तो दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और अगर कोई आपके पास सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से वो भी दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।